2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी। उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। जी एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्या हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हुआ तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी, सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर कर करके फोटो निकलवा रहे हो, आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स कमाना नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दे। और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी, आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूं उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ आए, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापिस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है, वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले
कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे, हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में।